स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। इस पोजीशन में है, वर्टिकल है जब रिलीज किया। इफ द एंड ऑफ द रॉड इज नॉच्ड, नॉच्ड मतलब यहाँ पे कुछ ग्रूव सी बना दी जिससे कि ये जो है स्लिप नहीं कर सकता, ये वाला एंड, ठीक है, नॉच, सो दैट इट कांट स्लिप। Find the angle theta at which contact between the rod and the corner ceases. तो किस एंगल पे कॉन्टेक्ट सीज होगा? तो जब ये रॉड थीटा एंगल रोटेट कर जाएगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सबसे पहले हम वो फाइंड करें, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है वो पहले कितनी हाइट पर है? तो पहले है वो एल बाय टू हाइट पर। अब एज से तो उसकी दूरी अभी भी एल बाय टू ही होगी, लेकिन वर्टिकली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ होगा। कितना शिफ्ट हुआ होगा? तो ये एंगल थीटा था, तो ये एल बाय टू है, तो ये आ जाएगा एल बाय टू कॉस थीटा। तो ये वाली जो हाइट आएगी आ जाएगी एल बाय टू कॉस थीटा। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पोजिशन से, मतलब एज से एल बाय टू हाइट पर था और अब कितनी हाइट पर है? एल बाय टू कॉस थीटा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? एम जी एल बाय टू माइनस एम जी एल बाय टू कॉस थीटा, ये हो जाएगी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये एंड क्योंकि फिक्स एक्सिस की तरह काम कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई अबाउट दिस एंड। तो रॉड का आई एंड पॉइंट के अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। एक एम कैंसिल कर सकते हैं हम, एल भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास जी बाय टू, कॉमन ले लें तो जी बाय टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एल ओमेगा स्क्वायर बाय सिक्स। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या बताना है? नॉर्मल जीरो करना है, कॉन्टेक्ट लूज होगा, सीज होने का मतलब कॉन्टेक्ट हट जाए यानी कि नॉर्मल जीरो हो जाए। अब देखो ध्यान रखना, यहां पे ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर की तो एक एज है और रॉड का एक सरफेस जैसा है। तो जब भी कोई एज और सरफेस कॉन्टेक्ट में होती है तो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। यहां पर नॉर्मल ऐसे लगेगा रॉड के सरफेस के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल बेसिकली कहां लग रहा है? रेडियल डायरेक्शन में। हम इसका सेंटर ऑफ मास की बात करें तो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा और सर्कुलर पाथ में जब फोर्स की इक्वेशंस यूज करते हैं तो रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शंस में यूज करते हैं। तो नॉर्मल रेडियल डायरेक्शन में लग रहा होगा और इसका एक सेंट्रीपिटल एसिलरेशन होगा रेडियल डायरेक्शन में, और वो सेंट्रीपिटल एसिलरेशन जो है वो किसके बराबर होगा? वो होगा ओमेगा स्क्वायर एल बाय टू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एल बाय टू रेडियस के सर्कल में घूम रहा है और इस पॉइंट पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। यहां पर कुछ अल्फा भी होगा लेकिन अल्फा के कारण जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नॉर्मल के बारे में ही बताना है कि नॉर्मल जीरो कब होगा। अब लेकिन रेडियल डायरेक्शन में क्या और भी कोई फोर्स लगेगा? अब एक और फोर्स जो लगेगा वो होगा एम जी और उसका कॉम्पोनेंट आएगा रेडियल डायरेक्शन में। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी देखें तो हम थीटा हो जाएगा। तो mg का जो कंपोनेंट आएगा रेडियल डायरेक्शन में mg cos थीटा। ये h और भी कोई अगर फोर्स लगाएगी तो वो h से ही पास हो जाएगा, उसके अलावा टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं कुछ पॉइंट a मान लेता हूं। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें फोर्स की इक्वेशन लिखें कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी m ओमेगा स्क्वायर l बाय 2 होना चाहिए। तो इस पॉइंट के अबाउट ये सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या होगा? mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा और नॉर्मल अभी लग रहा है तो माइनस n, तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर l बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर l की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, रहेगा m बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर l जो है 3g इंटू 1 माइनस cos थीटा के बराबर आ जाएगा। और हम चाहते क्या है कि नॉर्मल जीरो हो जाए तो नॉर्मल को जीरो ही कर दें। तो mg cos थीटा जो है ये किसके बराबर आ जाएगा? 3mg बाय 2
इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो mg से mg कट गए, तो यह आ जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 cos थीटा, तो 3 cos थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 3 प्लस टू 5, तो 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो cos थीटा आ जाएगा 3 बाय 5, या अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा बोला जाएगा cos इनवर्स ऑफ 3 बाय 5, या ये वैल्यू जो है ये 53 डिग्री होती है, तो आंसर 53 डिग्री भी बोला जा सकता है।